विष्णु प्रसन्न की पूज्य संतों की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक परंपरागत जून के महीने में गंगा दशहरा के एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद में होती ही है। हर प्रांत के पूज्य संत आते हैं, चिंतन मनन होता है, आगे के छः महीने का विचार, क्या क्या विषय समाज के लिए आवश्यक हैं उनका विचार होता है। इस समय जो हमारे लंबे समय से विषय धर्मांतरण रोकना, परिवार में संस्कार कैसे पुनः स्थापित हों, इसलिए कुटुंब प्रबोधन, समाज में ऊंच नीच छुआछूत जातभेद भाषाभेद का अंतर खत्म हो, इसके लिए जो हमारे यहाँ समाज रूप से गांव में एक शमशान घाट, एक जल का स्थान, मंदिर में सबको प्रवेश, ऐसे तमाम प्रकार के विषय इनको लेकर के विचार होगा। फिर उसमें से जो भी संत निष्कर्ष निकाल के निर्णय देंगे, वो सब फिर निर्णय समाज में पहुंचाने का काम संगठन का रहता है, समाज को जगाने का काम एक देश के मूल सनातन धर्मी समाज को जगाना यह अपनी भूमिका जाता है। ज्ञान वापसी, कुतुब मीनार जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। अब वो मार्गदर्शक मंडल में जो जो विषय आएंगे उनका विचार होगा, विचार करके जो संत तय करेंगे उस विषय को आगे ले जाएंगे।